आज हम जानेंगे 3 और 4 मार्च का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में अब गर्मी ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब ठंड के नाम पर बस सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में लंबे समय तक सर्दी रही है, उसी तरह से इस साल लोगों को गर्मी भी खूब सताने वाली है। इधर पटना मौसम विभाग की तरफ से दिए गए अपडेट को माने तो मार्च के 3रे सप्ताह में गर्मी की अधिकता देखने को मिलेगी। हालाँकि अभी दोपहर के बाद से ही लोगों ने घरों में पंखा चलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने खान पान पर भी ध्यान दें। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है। पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण गर्मी का प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना जताई गई है। तो आइए अब जान लेते हैं 3 मार्च और 4 मार्च का मौसम पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 3 मार्च का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 4 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर ले तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 3 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अगर हम 4 मार्च के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 3 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 4 मार्च के अधिकतम तापमान को देख लें तो 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 3 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 4 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, तो वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 3 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 4 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 3 मार्च का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 4 मार्च का अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।